हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिस्कोर क्लासेज। रीट लेवल 2 के मैथ साइंस के वो आंसर की के रिलेटेड हम अपने इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आप अपने उत्तर की वो जांच कर सकते हैं इसके द्वारा। मैं केवल यहां पर आपको आंसर वो बताऊंगा ताकि कम से कम समय में हो आप अपने उत्तर की वो जांच कर सके। देखिए, 91 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 125। 92 का हो जाएगा आपके बी यानी 2। 93 का हुआ आपके ऑप्शन वो होगा ए 7xy-5y² + 3x². 94 का जो हो आपके राइट आंसर होगा वो होगा बी 3a + 5b और 3a - 8b। 95 का है वो डी रहेगा आपके x + 5। 96 का ए 13/21। 97 का बी 1767। 98 का जो होगा आपके ये होगा सी 0.1। 99 का आपके हो जाएगा डी 29,680 रुपए। 100वें क्वेश्चन का हुआ आपके रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट यानी 3.5% प्रॉफिट होगा उसे। 101 का हुआ आपके इसमें बी होगा यानी 32। 102 का हुआ आपके इसमें ए रहेगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 103 का हुआ आपके इसमें ऑप्शन नंबर सी 49,140। 104 का हुआ इसमें रहेगा आपके ए 55 डिग्री। 105 का हुआ आपको ऑप्शन नंबर बी है वो राइट रहेगा। उसके बाद है वो 106 का वो इसको वो अभी आपको स्किप कर लेना है एक बार, क्योंकि इसमें ये लेंथी क्वेश्चन है तो अभी इसको वो फिलहाल मैंने सॉल्व नहीं किया है। उसके बाद है वो क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके आगे टीचिंग मेथड के 118, 119, 120। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल ये दाब का मात्रक होगा। उष्मा संसरण की किस विधि द्वारा सूर्य से, तो ये विकिरण द्वारा होगा। उसके बाद वो आपके क्वेश्चन नंबर है वो इसमें दे रखा है ये पाई चार्ट वाला, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 50,000। उसके बाद जो ये ऑप्शन है आपके एक थैले में 15 लाल गेंदे और हरी गेंदे, इसका है वो आपके ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यानी 3। इसकी प्रायिकता का मान है वो 3 है वो आएगा। उसके बाद ये टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है जिन्हें आप वो खुद वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनका वो ऑथेंटिकेशन कुछ कह नहीं सकते, केवल वो हम मैथ और साइंस के क्वेश्चन की बात करेंगे। 107 का ये क्वेश्चन जो है आपके इसका रह जाएगा एक घनाभ की विमाएं, ऑप्शन नंबर सी 450। 108 क्वेश्चन का जो बारंबार का सारणी दे रखी है आपके, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 26। 109 क्वेश्चन ये जो फिर से दे रखा है इसका वो हो जाएगा आपके, ये अभी वो हमने सॉल्व किया था, पैचार दे रखा है 50,000। उसके बाद है वो देखिए आपके है वो ये टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है फिर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके जो है वो दे रखा है ये, इसमें है वो आपके हो जाएगा सी राइट होगा, परस्पर 60 डिग्री के कोण यानी इसका आंसर है वो सी होगा 5। ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति पर निर्भर करती है। उसके बाद है वो अपने वो रह जाएगा फ्यूज तार जो होगा वो है वो धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करेगा। पलायन वेग आपके 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा यानी ऑप्शन नंबर डी। कागज पर उपलब्ध दस्तावेज इसका आपके है वो ऑप्शन नंबर बी स्कैनर रहेगा। SB एंटीमनी का प्रतीक है, निम्न में से यौगिक है, इसका जल होगा क्योंकि ये जो है वो हीरा ग्रेफाइट वगैरह ये सब है वो अपर रूप होंगे और ओजोन है वो O3 डायरेक्ट होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट ऑप्शन नंबर सी Al2SO4 ऑल्टवाइज। सबसे कम गलनांक वाला धातु गैलियम रहेगा आपके यहाँ पर। क्षारीय माध्यम में फिनोप्टेरिन सूचक का वो रंग होता है तो ये पिंक या गुलाबी रंग है वो देता है आपके क्षारीय माध्यम में। टाइट्रेशन में वो क्या होगा अगर आपने साइंस में प्रैक्टिकल किया है तो। उसके बाद संश्लेषित रेशों द्वारा एथिलीन ग्लाइकोर और टेरेपथैलिक अम्ल, तो इससे आपके डेक्रोन का वो निर्माण होता है, डेक्रोन या फिर आप इसे टेरिलिन भी बोल सकते हैं। आगमन विधि का दे रखा है आपके, इसका हो जाएगा डी 11 से 11 की ओर। वायरस जनित रोग रेबीज होगा इसमें आपके। यीस्ट या खमीर एक प्रकार के कवक का उदाहरण है आपके यहाँ पर। निम्न में से कौन सा शीत आवास का पादप है, ये सॉल्ट एनेला डी ऑप्शन होगा क्योंकि हाइड्रा आपको पता होगा जलीय पादप है। उसके बाद आपके ये रोग और इनका मिलान का वो दे रखा है, तो इनका मिलान हुआ आपके इसका वो आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्षय रोग का वो हो जाएगा आपके इसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे आप है वो मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी से आप मिलान कर सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगी,
मादा मानव में निषेचन स्तन फैलोपियन ट्यूब होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन का प्रकार, तो ये बडिंग यानी मुकुलन द्वारा करता है अलैंगिक जनन। तप्त स्थल या हॉटस्पॉट जो शब्द है ये दिया था नॉर्मन मेयर्स ने। उसके बाद कौन सी तकनीक जैव चिकित्सक के अपशिष्ट के निस्तारण हेतु, तो ये भस्मीकरण इसका वो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का बर्डमैन, तो बर्डमैन वो आपके हो जाएगा सलीम अली, ये वो टेंथ की बुक में आपको इजीली मिल जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। जीरा उत्पादक, जालोर जीरा उत्पादक में वो प्रथम है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, जालोर एक में दे रखा है, इजी क्वेश्चन है ये बिल्कुल। इसके बाद कौन से कोशिकांग में संरूपण एवं परिपक्वन तल पाए जाते हैं, तो ये गोल्जी बॉडी यानी बी ऑप्शन गोल्जी काय में पाए जाते हैं आपके। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में चर्णक दांतों की संख्या होती है, तो चर्णक दांत जो होते हैं वो मोलर टीथ है, वो ऊपरी और नीचे दोनों के वो जबड़े में सैसे होती है इनकी संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। उसके बाद वो आपके ये टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है। तो मैंने इन क्वेश्चनों के हुए आंसर आपको फटाफट वो बताने का प्रयास किया है ताकि आप कम से कम समय में अपने उत्तर की जांच कर सके। इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी भी वो प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।